शहर के सुभाष नगर के पास मैकेनिकों के लिए बन रही प्लानिंग को लेकर क्षेत्रवासियों में खासा रोष व्याप्त है। क्षेत्रवासियों ने इसके लिए पहले भी विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई, तो आज विधायक संदीप शर्मा के नेतृत्व में धरना देकर प्रदर्शन किया। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा है कि यहाँ मैकेनिकों के लिए प्लानिंग नहीं करने दी जाएगी, चाहे इसके लिए लड़ाई ही क्यों ना लड़नी पड़े। वहीं इस मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर से उनको भी अवगत करवाते हुए ज्ञापन भर दिया गया है, और जहां लोकसभा अध्यक्ष ने जिलाधीश महोदय से बात कर क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिलाया है कि यहां पर मिस्त्रियों की दुकानों को नहीं लगने देंगे और अन्य जगह पर स्थानांतरित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए, क्योंकि ये लगभग 6,000-5,000 रुपए दर फिट की दर से इन लोगों ने यहाँ पर भूखंड खरीदे हैं, जिसमें करोड़ रुपए की लागत से इन्होंने मकान बनाए हैं। इनका और महिलाओं का इसमें कड़ा विरोध है। इनका मानना है कि इससे पूरे क्षेत्र में महिलाओं का निकलना भारी हो जाएगा, न्यूसेंस क्रिएट हो जाएगी, और जब हमने इतने महंगी दरों पर मकान खरीदे हैं और इतनी वैल्यूबल ज़मीन है, तो इसको UIT को चाहिए था कि वो इसको ऑक्शन करती और जो पैसा आता उसको वो लोगों के विकास में सुभाष नगर में खर्च करती। अब क्या रहेगा इसके लिए आगे? अब इसमें अगर प्रशासनिक अधिकारियों के कान नहीं खुले तो निश्चित रूप से कितने बड़ा आंदोलन करना पड़े, हम जनता के साथ हैं।